उत्तर प्रदेश में बीते चार सालों में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर हो चुकी हैं। जहां 108, 102 एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है, वहीं कई नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। अस्पतालों का निर्माण भी किया गया है। यूपी में बीते चार सालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां पहले इलाज नहीं मिलने के चलते लोगों को दिक्कतें पेश आती थी। वहीं अब 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के जरिए बीमार, घायल और गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अखिलेश यादव सरकार ने साल 2015-16 में उत्कृष्ट जांच और उपचार उपलब्ध कराने के लिए हर मेडिकल कॉलेज के लिए 6 सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीदारी की, जिन्हें लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर के लोगों को राहत देने के लिए खास घोषणाएं की हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग और न्यूरोसर्जरी विभाग की स्थापना की है। इसी तरह लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में भी राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज लखनऊ में 3 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही लखनऊ और रायबरेली में नए एम्स खोलने के लिए जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई जोरों पर है। असल में ये दोनों संस्थान बहुत महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा हम लालगंज में नहीं बनाना चाहते, हम रायबरेली में बनाना चाहते। हमने कहा शायद ये बहाना कर रहे हैं, एम्स नहीं बनाना चाहते। हमने कहा आप रायबरेली में कौन सी जमीन चाहते हैं? उन्होंने कहा आपकी चीनी मिल पुराना है, जो खराब हो गया है, जिसकी जमीन खाली पड़ी है, अगर आप वो उपलब्ध करा दोगे तो यहां एम्स बन जाएगा। हमने उस मौके का लाभ उठाया और कहा कि आप चीनी मिल की जमीन चाहते हैं, हम चीनी मिल की जमीन उपलब्ध कराएंगे और सबसे कीमती जमीन रायबरेली की सड़क के किनारे, वो हमने एम्स के लिए जमीन दे दी और उसका परिणाम ये कि आज रायबरेली में एम्स बन रहा है। गोरखपुर में जहां दिमागी बीमारी का कहर है, वहीं रायबरेली के आसपास उपचार के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। रायबरेली के लोगों को 150 किलोमीटर दूर लखनऊ में आकर इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर दो नए एम्स की स्थापना का कार्य जोरों पर है, खासकर तब जबकि आयुर्विज्ञान संस्थान खासे मायने रखते हैं। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बकायदा इसके लिए रुचि ली। उन्होंने कई बार नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसे मूर्त रूप दिया। ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विशेष रुचि लेने का ही नतीजा है कि ग्रेटर नोएडा चिकित्सा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। यहाँ 150 MBBS छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था है। वहीं लखनऊ में भी अखिलेश यादव की सरकार ने राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की पढ़ाई की भी व्यवस्था की है। इससे लखनऊ और आसपास के लोगों को और बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था मिल पा रही है। इसे यूपी की अखिलेश सरकार की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि सरकार ने दूरदराज के जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। इसका मकसद बड़े शहरों से दूर गांवों के गरीबों को अच्छा इलाज मुहैया कराना है। इसी के साथ इन छोटे शहरों में भी विकास होगा। मेडिकल कॉलेज खुलने से तमाम सहयोगी व्यवसाय बढ़ेंगे, साथ ही लोग स्वस्थ जीवन यापन कर सकेंगे। इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की करीब 500 सीटों में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पहले 1140 MBBS की सीटें थी, जिन्हें अब बढ़ाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलाज देने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेजों के नजदीक माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण का फैसला किया है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए PPP मॉडल पर स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद वहां काम करने वाले कर्मचारियों और डॉक्टरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है।
साथ ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होने से दूर दराज में कार्य कर रहे डॉक्टर और कर्मचारी वहां ड्यूटी देने में कोताही नहीं बरतेंगे, यानी कर्मचारियों की तैनाती बनी रहेगी। इसके अलावा यूपी सरकार लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रही है, जबकि लखनऊ के केजीएमयू में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और हृदय रोग की सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए 47.58 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की सीटों में बढ़ोतरी की गई है, जो एमसीआई की अनुमति के बाद 150 हो गई हैं। इस तरह दूसरी जगहों पर भी सीटें बढ़ी हैं। यूपी में एमबीबीएस की 500 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें से इस साल एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं। वहीं 2017 यानी अगले साल 400 सीटों का इजाफा होगा, जबकि अगले 2-3 साल में जब 11 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे तो एमबीबीएस की सीटें 3014 हो जाएंगी। असल में 2013 तक यूपी में एमबीबीएस की महज 603 सीटें थी, लेकिन अखिलेश सरकार के प्रयासों से इसमें खासी बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रदेश में 2012 के बाद से पैरा मेडिकल कोर्सेज भी बड़ी तादाद में शुरू किए गए हैं, जिसका लाभ भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मिल रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 30 रुपए के पंजीकरण के भुगतान पर स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी है। इसमें एक परिवार के मुखिया समेत 5 लोगों को 30,000 रुपए का चिकित्सा बीमा दिया जाता है। साथ ही हेल्थ योजना के क्रियान्वयन के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। वहीं इलाज के दौरान मरीजों को मुफ्त भोजन और डिस्चार्ज के समय 5 दिन की दवाइयां मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार यूपी को जहां अवस्थापना विकास के जरिए मजबूत बना रही है, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी लगातार बढ़ा रही है, और खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखिलेश सरकार के उठाए गए कदम बेहद सराहनीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।